आगामी मुंबई महानगर पालिका चुनाव 2017 के लिए मुंबई के हर इलाके में अब सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने वार्ड में चुनावी प्रचार शुरू कर दिया है। मुंबई के वार्ड नंबर 42 में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार धनश्री भरड़कर अपने वार्ड में घूमकर लोगों की समस्याओं से अवगत हो रही है और लोगों को ये आश्वासन दे रही है कि अगर वे जीत कर आती है तो उनकी सारी समस्याओं का निवारण करेगी। देखिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता अरुण कुमार गुप्ता की ये खास रिपोर्ट। चुनावी घमासान का नजारा हम मुंबई के सभी गलियों में देख सकते हैं। लगभग सभी पार्टी के उम्मीदवार लोगों को यानी जनता को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता भी उसे ही चुनकर देगी जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से उनके लिए काम किया हो। बात मना महानगर पालिका चुनाव की है। हम इस वक्त मौजूद है मुंबई के वार्ड नंबर 42 में, जो महिलाओं के लिए सुरक्षित रखा गया वार्ड है। यहाँ पे कहीं ना कहीं टक्कर है भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, बाकी किसी पार्टी का तो कोई अता पता नहीं, खास करके 42 में। बात करते हैं मेरे पास राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की अधिकृत उम्मीदवार। क्या तैयारियां हैं, कहीं ना कहीं महिलाओं को जिस प्रकार से लीड किया है, इस क्षेत्र की बात करें, यहाँ पे विद्या चौहान खुद एक महिला होकर उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है, वो विश्वास आपके ऊपर डाला है, क्या कहना चाहिए? एक बात पे आपका गौर दिलाना चाहूंगा, कहीं ना कहीं जो आप उम्मीदवार देख रहे धनश्री वैभव भरड़कर, कहीं ना कहीं राजनीतिक से कोई भी तकल्लुक नहीं है, दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन और लेकिन सिर्फ यहाँ के रहवासियों की मोहब्बत पे इन्होंने इस चुनाव चित्र का चलन किया हुआ है, आपके बीच पहुंची हुई है। बातों से आपको अंदाजा लग चुका होगा कि इन्हें किसी भी प्रकार का भाषण देने नहीं आता। मेरे साथ उनकी खुद सासू माँ है, मौजूद है, कहीं ना कहीं परिवार भी है आपके साथ में, पूरे परिवार को आप लेके चल रहे हैं, क्या कहते हैं? टीवी बराबर आएगा, परिवार एक साथ है, एक साथ है, काम कर रहे हैं। जी यहाँ बात करते, कुछ लोगों से बात कर लेते, कहीं ना कहीं आपके क्या कहना चाहिए, कहने के जो चुनाव के दौरान एक परिवार के लोगों के बीच में बात करें, यहाँ पे विद्यार्थी काम किया है, यहाँ पे क्या लक्ष्य होगा राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का? मैं हमारे विद्या चौहान जी ने पक्ष नहीं रहते हुए भी हमारे बहुत विकास किया है, हमारे घर के ऊपर छत दिया है, सर के ऊपर छत दिया है उन्होंने, उनके माध्यम से जो अंबेडकर बाबा साहब बोलते हैं वो कहीं गुम हो गया था, उनकी तरफ से उन्होंने जो एक आदमी खोज के निकाला है वैभव भरड़कर, इसको उन्होंने खड़ा किया है, उनकी मिसेस ये धनश्री वैभव भरड़कर, इनमें इतना विश्वास उन्होंने देखा है कि ये लेडीज महिला है, जवान है, नव युग है, इसलिए उनको खड़ा किया है, तो वो हमारा बहुत विकास करेंगे। हमको बीएमसी के नल दिए हैं, शौचालय बना के दिए, झोपड़पट्टी में फॉरेस्ट वाले ने हमको अधिकार बिल्कुल नहीं दिया है, लेकिन फिर भी हमको भरड़कर दादा ने और धनश्री वैभव भरड़कर में, अभी तो सत्ता नहीं है उनके पास, फिर भी उन्होंने विद्या चौहान के माध्यम से ये हमको उपलब्ध करके दिया है, और इसके बाद भी वो महिला लोग का बहुत विकास करेंगे, इसलिए विद्या चौहान ने उनको खड़ा किया कैंडिडेट बोल के, और हमारा पूरा सपोर्ट है महिला का उनको, हम किसी से एक रुपया नहीं लेते हैं, अपना पानी घर से करके चलते हैं, उनका प्रचार करते हैं। कहीं विश्वास आप साफ साफ तौर पे चेहरों पे देख सकते हैं, किसी भी प्रकार का कोई योगदान नहीं है, देखा जाता है कि चुनाव के दौरान लोगों को कहीं ना कहीं एक टारगेट देकर उनको खरीद कर रखा जाता है चुनाव के प्रचार के लिए, फेरी के लिए, लेकिन यहाँ पे इस भीड़ में इकट्ठा एक भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का मानधन का योगी नहीं है, उसने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया है, निस्वार्थ तरीके से पूरे प्रचार फेरी में लगे हैं। जनता इस 42 को कितना मत देती है तो 21 तारीख को चेहरा साफ झलक जाएगा। बड़े दिन अहमद के साथ अरुण गुप्ता।